क्यों कैसे होता है क्यों क्यों कैसे क्यों कैसे होता है क्यों क्यों कैसे हर सवाल का जवाब है साइंस हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस हर बात में है साइंस हर राज में है साइंस अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस हर मुट्ठी में है साइंस। पॉपकॉर्न खाओगे ना? आज तो मजा आ गया है। मैंने पूछा था एक ऐसा क्वेश्चन जिसने करा दी मेरी पॉपकॉर्न पार्टी। हाँ, पूछा था कि अगर माइक्रोवेव में खाना रेडियोवेव से बनता है तो माइक्रोवेव के अंदर से आवाज क्यों नहीं आती। क्या क्वेश्चन पूछा था ना? मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है कि माइक्रोवेव कैसे काम करता है समझा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आया। क्यों? मम्मी पहले जरा पॉपकॉर्न तो खा लेना। ऐसा ही होता है जब होती है हर मुट्ठी में साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। माइक्रोवेव ओवन खाना कैसे पकाता है? ये गए मक्के, कच्चे कड़क भुट्टे के दाने माइक्रोवेव के अंदर। ओवन शुरू। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी या बनाएगी माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे। ओवन शुरू होते ही हो गई है माइक्रोवेव्स की भागदौड़ शुरू। मक्के के दानों में परिवर्तन शुरू। वो फूट रहे हैं, कड़क मक्का बन रहा है नरम और मजेदार पॉपकॉर्न। माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स हैं, लेकिन रेडियो वेव्स खाना कैसे पका सकते हैं? पहले तो जान लेते हैं तरंगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये ऊर्जा की वो तरंगे हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। इन तरंगों को उनकी वेवलेंथ या लंबाई के हिसाब से बांटा गया है। जितनी कम वेवलेंथ उतनी अधिक ऊर्जा। ये हो गया पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे छोटी वेवलेंथ गामा रेज और एक्स रेज। अगली है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से थोड़ी लंबी विजिबल स्पेक्ट्रम। अगली अवरक्त तरंगे, ये हम देख नहीं सकते लेकिन गर्मी फील होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अंतिम छोर है माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे वो तो हैं ही जो हमारे रेडियो और टीवी सेट में सिग्नल पहुंचाते हैं, लेकिन वो भी रेडियो वेव्स ही हैं जो रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग होती हैं। सैटेलाइट की जानकारी मौसम विभाग के रडार ग्रहण करते हैं और आने वाले मौसम की जानकारी हमें देते हैं। वेदर रिपोर्ट में हम सुनते हैं ना, सैटेलाइट से मिली पिक्चर्स के अनुसार दक्षिण भारत में तेज बारिश होने की संभावना है। ये सभी जानकारी रेडियो वेव्स ही हम तक पहुंचाती हैं। विशेषज्ञ हमें बता पाते हैं कि आने वाले समय में मौसम कैसा होगा। रेडियो वेव्स की खासियत ये है कि आंधी हो या बादल, धुंध हो या बारिश, ये तरंगे बिना किसी रुकावट के हम तक पहुंच पाती हैं। आज बात माइक्रोवेव में खाना बनाने वाली सूक्ष्म तरंगों की। इन तरंगों की वेवलेंथ सेंटीमीटर्स में नापी जा सकती है और कुछ तो एक फुट तक की हो सकती है। माइक्रोवेव के अंदर इन्हीं तरंगों की ऊर्जा पकाती है खाना, फिर वो सब्जियां हो, केक या पॉपकॉर्न। हर मुट्ठी में है साइंस। कैसे पक जाता है माइक्रोवेव में खाना, आज ही जल्दी से समझते हैं बिना किए कोई बहाना। अगर माइक्रोवेव में रेडियो वेव्स होती हैं, तो सुनाई क्यों नहीं देता कोई गाना? इस क्वेश्चन का जवाब है हमें पाना। पाना नहीं, पानी। पानी? जी पानी। तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, चलिए जल्दी से इसे समझ लेते हैं। ये देखो, अब तुम ट्राई करो। अभी मैं। ये देखो घुमा। अंकल ये कितनी तरह तरह से घूम रहा है, लेकिन इसको तो चक्कर लगाना ही था। हाँ, पर इसका माइक्रोवेव से क्या कनेक्शन? अरे यार तुम मत चकराओ, चकराने दो मैग्नेट की सुई को और पानी को। पानी को? मगर अंकल यहाँ तो सुई को घुमाने वाला है मैग्नेट, मगर पानी वो कहाँ और क्यों घूम रहा है? पानी घूम रहा है माइक्रोवेव में, और उसे कौन घुमा रहा है, आइए देखते हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। मैग्नेट के घूमने से कंपास की सुई भी घूम रही है। ये खेल है आकर्षण का।
अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है चार्जेस के कारण, ये हम जानते हैं, लेकिन अब समझते हैं माइक्रोवेव की साइंस। देखते हैं कि अंदर रखे केक में क्या हो रहा है। सूक्ष्म तरंगों की एक अजब खूबी है, ये पानी, शक्कर और तेलों में जब्त हो जाती है और जब्त होने पर गर्मी में बदल जाती है। जैसे इस केक के अंदर सूक्ष्म तरंगों को जब्त करके पानी, शक्कर और चिकनाई के मॉलिक्यूल उत्तेजित हो रहे हैं, वो घूमने लगे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। केक पक रहा है, फूल रहा है। हर मुट्ठी में है साइंस। देखो। अरे ये सुनो सुनो सुनो, अगर कोई 8 साल 7 महीने और 6 दिन तक लगातार चिल्लाते रहे तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कि एक कप कॉफी गर्म हो जाए। कैसा आइडिया है अंकल? गंदा आइडिया है, भला ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई क्यों करेगा? और जो भी करे ये प्रूव हो जाएगा कि साउंड एक वीक एनर्जी है। मैं बोलूं थैंक यू हीटर और गैस बनाने वालों को थैंक यू, वरना तो एक कप कॉफी गर्म करने के लिए मैंने देखा क्या? वो जो वैभव ने देखा था क्या? वो जो टी से होता है, टी से होता है घंटा जैसा क्या जो लटकता है? मम्मी देखो, टी से टॉन्सिल। हाँ वो ही टॉन्सिल, लेकिन ये घंटे जैसा टॉन्सिल्स नहीं है। वो टॉन्सिल्स नहीं है? नहीं। तो फिर क्या है? वो क्या है ये भी देख लेते हैं और बाकी सब कुछ भी देख लेते हैं। आपका भी सवाल यही था। हर मुट्ठी में है साइंस। बच्चों में बुखार अक्सर होता है गला खराब होने से, और गला खराब हो तो डॉक्टर टॉर्च चमका कर देखते हैं हमारे टॉन्सिल्स, साथ में हमारा उव्यूला। पहले तो ये जान लें कि ये जिसे कुछ बच्चे लटकता घंटा कहते हैं वो क्या है। वो ही तो है हमारा उव्यूला या छोटी जीभ। इसी को कुछ लोग बोलचाल में कौवा भी कहते हैं। उव्यूला बोलने में हमारी सहायता करता है और जब हम खाना निगलते हैं तो ये ऊपर उठकर खाने को सही जगह भेज देता है, छोटी जीभ के दोनों तरफ। ये है हमारे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स बहुत काम के हैं। सांस के साथ शरीर में बहुत से जर्म्स कीटाणु घुस जाते हैं। टॉन्सिल्स उन्हें एक मुस्तैद सिपाही की तरह बाहर ही रोक देते हैं। कभी कभी दुश्मन इन्हीं पर आक्रमण करता है और ये सूज जाते हैं, फूल कर इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर टॉर्च चमकाकर हमारे टॉन्सिल्स की जांच करते हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। वीरेंद्र कहाँ है? क्या मालूम, इतनी सी तो चीज लाने गया था। सब्र करो, आ जाएगा। आज हम एक राज खोलने वाले, छोटे छोटे बच्चों को सूखा सूखा रखने का राज। सॉरी अंकल, सूखा सूखा नहीं मिला पर गीला गीला मिला। तो आइए खोल देते हैं गीले और सूखे का राज। हर मुट्ठी में है साइंस। छोटे बच्चे चलना भी धीरे धीरे सीखते हैं और बताकर सूसू करना भी। इसीलिए बच्चों के लिए बनाई जाती हैं नैपीज, जो नंबर वन को कुछ इस तरह सूख लेती हैं कि अंदर सब सूखा ही रहता है, न बाहर गीला न अंदर। ऐसा कैसे होता है? राज खोलने के लिए तो डायपर को खोलना ही पड़ेगा। डायपर के अंदर इन स्पेशल फाइबर्स के साथ हैं कुछ दानेदार। यही तो है जो गीलेपन को सूखने का चैंपियन है। इस पर डालते हैं पानी। ये तो सब गायब होता जा रहा है और अंदर की स्टफिंग फूल रही है, लेकिन है सूखी। असल में डायपर के अंदर है एक पॉलीमर,
नाम सोडियम पॉली एक्रिलेट। इसकी खूबी यही है कि ये पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। कुछ तो अपने से 800 गुना पानी भी सोख सकते हैं। साइंस का एक कमाल ही तो है ये बेबी डायपर्स, पॉलीमर का कमाल, जिसके लंबे मॉलिक्यूल्स नमी को इतनी बढ़िया तरीके से रोक लेते हैं। आप भी साइंस खेलिए, ऑब्जर्व करिए क्यों और कैसे। हर मुट्ठी में है साइंस। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीमर मतलब ऐसी चीज जिसमें एक तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हैं, समझे? समझ भी गया और बना भी लिया एक चेन। करेक्ट। मैं तो सोचता था कि पॉलीमर मतलब कि पॉलीथीन मतलब कि एक मैनमेड चीज है। बिल्कुल नहीं, पॉलीमर्स हमारे बनाने से पहले प्रकृति ने बनाए। क्या आप जानते हैं कि पॉलीमर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? पेड़ों में, जानवरों में, हमारे खाने में, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। हर मुट्ठी में है साइंस। इस स्नेल के कठोर कवच में है पॉलीमर, यही उसे सुरक्षा देता है। पॉलीमर तो हमारे चारों तरफ फैले हैं, हमसे पहले प्रकृति ने ही उन्हें हमारे चारों तरफ बिखेर दिया है। जैसे इस छोटे से कीड़े में, और जिस पौधे पर वो बैठा है उसमें भी पॉलीमर, सेल्यूलोस पॉलीमर है, चिटिन भी पॉलीमर, इसीलिए इस कीड़े के पंख में भी पॉलीमर और मकड़ी के जाले के सिल्क में भी। सिल्क की मजबूती स्टील से ज्यादा। हमारे नाखून और बालों में तो पॉलीमर है ही, हमारे शरीर के अंदर सभी प्रोटीन और स्टार्चेस में भी पॉलीमर, मतलब हम पॉलीमर खाते भी हैं और उनसे बने भी हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। वैसे एक पॉलीमर मैं भी जानता हूँ, और वो भी अपने शरीर के अंदर। अच्छा? ये वही है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? You mean कि पॉलीमर हमारी लंबाई को भी कंट्रोल करता है? सोचो, बताओ बताओ कौन सा, क्या? अंकल आप ही बता दो। अंकल अगर आप हाइट के बारे में बात कर रहे हो ना, तो उससे इस रिलेटेड हमें इतने सारे क्वेश्चंस आए। तो ठीक है, जान लेते हैं लंबाई के बारे में एक छोटा सा फैक्ट। हर मुट्ठी में है साइंस। हर कोई चाहता है कि थोड़ा और लंबा हो जाए, नाटा ना रह जाए। हाइट बढ़ाने के लिए कोई बाजार से अजीबोगरीब चीजें खरीदता है, तो कोई लटकता है, कसरत करता है। हाइट के बारे में तो सच ये है कि हमारी जीन्स या अनुवांशिकी तय करती है कि हम कितने लंबे होंगे। हमारी हाइट और हमारा विकास मस्तिष्क में एक ग्रंथि पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। उसमें बनने वाले ग्रोथ हॉर्मोन्स हमारे शरीर को एक सुचारू तरीके से बढ़ाते हैं और लंबा करते हैं। तो हमारी हाइट जीन्स नियंत्रित करते हैं। हम कितने लंबे होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जरूर है कि कसरत और सही पोषण हमें स्वस्थ रखता है और सही तरह से बढ़ने में मदद करता है। हर मुट्ठी में है साइंस। मम्मी मम्मी मम्मी, पहले आप सब काम छोड़ो और देखो मेरी हाइट थोड़ी सी भी बड़ी है कि नहीं। थोड़ी सी बड़ी है ना? थोड़ी? हाँ, इतनी सी बड़ी है, इतनी सी, सिर्फ इतनी सी बड़ी है। मम्मी मेरा तो मन करता है कि मेरे अंदर जायंट रेडवुड का डीएनए आ जाए। जायंट रेडवुड का डीएनए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल, लेकिन क्या आप समझे कि पूर्णायु रेडवुड को क्यों याद कर रहा है? हर मुट्ठी में है साइंस। 60 से ज्यादा अमिताभ बच्चन एक दूसरे के ऊपर खड़े हों तो ही सिकवी हुआ जितने ऊंचे होंगे। इतना ऊंचा है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जायंट सिकवी हुआ, जिसे रेडवुड भी कहते हैं। तने का डायमीटर व्यास 23 फीट तक हो सकता है और उम्र 2000 वर्ष तक। इतना लंबा होने के लिए वक्त भी तो ज्यादा चाहिए कि नहीं? हर मुट्ठी में है साइंस। वैभव ये लो। थैंक यू। वीरेंद्र ये लो, और श्रीता तो ये लो। दुनिया के सबसे लंबे पेड़ का तो नहीं, लेकिन अपने देश के एक लंबे पेड़ का फल आपके लिए। फल? अंकल बीज, सीड। राइट, ये सीड है, करेक्ट बोला तुमने। और क्या मालूम है इसके बारे में? अंकल मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर में घायल सोल्जर्स को खून के बजाय सीधा नारियल पानी चढ़ा देते थे। कुछ भी आप क्या बात कर रही हो? मैंने पढ़ा था, पक्का नहीं है। तो फिर पक्का मालूम कर लेते हैं, क्यों? हर मुट्ठी में है साइंस। नारियल का पेड़ दक्षिण और पश्चिम भारत में इनकी भरमार, वहां की खुराक और जीवन का एक बड़ा हिस्सा नारियल।
संस्कृत भाषा में नारियल को कल्पतरु कहते हैं। कल्पतरु वो जो जीवन के लिए जरूरी हर चीज हमें दे। वैसे स्पेनिश में कोकोनट का अर्थ है बंदर के मुख वाला। नाम का अर्थ कुछ भी हो, नारियल पानी की मिठास बहुतों की प्यास बुझाती है। ये नारियल तो असल में एक बीज है, सब बीजों में सबसे बड़ा। नारियल पानी अपने आप में अजब है। कैलोरीज कम, पोषण अधिक, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं। ये स्टराइल है, मतलब इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई जर्म्स नहीं, और तो और खूब पोटेशियम और कम सोडियम। कुल मिलाकर हर उम्र के लिए, खिलाड़ियों से लेकर रोगियों तक, एक बढ़िया ड्रिंक। ये तो आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे नारियल सूखता है, पकता है, यही पानी अंदर की गिरी बन जाता है। वैसे नारियल पानी की सबसे मजेदार बात, क्या ये आपको कहीं से भी अपने खून जैसा लगता है? देखने में ना सही, पर सच तो ये है कि नारियल पानी हमारे रक्त से बहुत मिलता जुलता है। इतना मिलता जुलता कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब घायल सैनिकों को खून की जरूरत पड़ी तो खून तो था ही नहीं, इसलिए उन्हें सीधे नारियल पानी चढ़ा दिया गया। उसने उनके ब्लड प्लाज्मा का काम किया और उनकी जान बचाई। हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। पुन्नायु, तुम्हारे नाखून कितनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। मम्मी, लोग तो कहते हैं ना कि हमारे नाखून डेड है। तो फिर वो बढ़ कैसे जाते हैं? और अगर बढ़ भी जाते हैं तो उन्हें काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? मतलब प्रॉपरली, हाँ प्रॉपरली। आउट मम्मी। सॉरी सॉरी। जवाब। मुट्ठी में है साइंस। हमारे बाल कटते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन बाल नोचो तो होता है, और ये बात हम सब जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नाखून का किस्सा भी। दोनों एक जैसे ही तो हैं। दोनों मृत कोशिकाओं के बने हैं, जिनमें केराटिन नाम का प्रोटीन है। देखते हैं नाखून की संरचना। नाखून ऊपर से गुलाबी दिखता है, इसलिए क्योंकि उसके नीचे रक्त संचार है, रक्त वाहिकाएं। नाखून बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हर नाखून में जड़ की तरफ नई कोशिकाएं जुड़ जाती हैं, जो नाखून को बाहर ढकेलती हैं। कच्चा नाखून काटने पर दर्द इसलिए होता है क्योंकि जड़ के पास बहुत सारी नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं। हर मुट्ठी में है साइंस। उसके छिलके जैसे पैर थे, वो चाबी के खिलौने जैसे चल रहा था। उसकी लंबी सी पूंछ उसको सहारा दे रही थी, तो कभी बैलेंस। उसकी आंखें इतनी बड़ी। पता है वो किस रंग का था? वो हरा था। हरा, लेकिन लाल, पीला, भूरा भी हो सकता था। बहुत हो गई मिस्ट्री, अब बता देते हैं किसके बारे में बात कर रहे थे। वही जो रंग बदलने के लिए मशहूर है। आप ही का सवाल है, आप देख लीजिए। हर मुट्ठी में है साइंस। ये महाशय हमें मिले जंगल में। चांस की बात है कि नजर में आ गए, वरना ये तो हरे में हरे होकर पत्तियों का ही हिस्सा बन गए थे। गिरगिट अपनी रंग बदलने की खूबी के लिए खूब जाने जाते हैं। आज इस रंग परिवर्तन की साइंस भी समझ लेते हैं। गिरगिट की त्वचा में होती हैं कुछ खास कोशिकाएं, क्रोमैटोफोर्स। इन क्रोमैटोफोर्स में होते हैं रंगों के पिगमेंट्स। गिरगिट इन सेल्स को बड़ा या छोटा कर अपने रंग को बदल सकता है, मनचाहा रंग बना सकता है। ये एक तरह से हमारे पेंट बॉक्स की कलर मिक्सिंग की तरह है। गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं, इस पर साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की है। उनका मानना है कि प्रकाश, तापमान और मिजाज के अनुसार गिरगिट रंग बदल सकते हैं। गुस्से में रंग लाल, ठंडे मौसम में गर्म रहने के लिए गाढ़ा रंग, और गर्मी में ठंडक के लिए हल्का रंग। डरा हुआ गिरगिट आसपास के रंग का होकर छिपने की कोशिश करता है। अगली बार अगर आपको गिरगिट दिख जाए तो उसे छेड़े बिना ऑब्जर्व करें, सीखें कुछ उसके बारे में। रंग बदलने का ये कारनामा कुछ गार्डन लिजर्ड्स भी कर सकती हैं। वैसे अकेले गिरगिट की कोई 100 स्पीसीज हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। हर
मुट्ठी में है साइंस। मम्मी मम्मी ये देखो, अब तो मैं गया, मेरी फेवरेट चोट से ये दाग कैसे निकलेगा? इतने दुखी मत हो, ये चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। मम्मी पर ये साबुन को कैसे पता चलता है कि क्या निकालना और क्या नहीं निकालना? हर मुट्ठी में है साइंस। रेखा, कभी ऐसे सोचा था कि इतना सारा पानी एक कॉइन के ऊपर समा सकता है? ये तो हुआ पानी का सर्फ एक्सटेंशन। अब देखते हैं साबुन का कमाल और अच्छी तरह से जान लेते हैं कि साबुन चीजों को साफ कैसे करता है। हर मुट्ठी में है साइंस। पानी लिक्विड है, बहता है, लेकिन ये कैसे? कैसे ग्लास की दीवारों से भी ऊपर पानी एक गुंबद बना लेता है, छलकता नहीं? कमाल पानी की सरफेस टेंशन या सतही तनाव का है। इसे पानी का चिपचिपापन भी कह सकते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स की H2O की ये खूबी है कि उसका मॉलिक्यूल बाइपोलर है, एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी तरफ से नेगेटिव चार्ज वाला। बस इसीलिए पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं, उसे सरफेस टेंशन देते हैं। अब सिर्फ पानी से मैली चीजों को धोने की कोशिश करो तो पानी बह जाएगा और मैल वहीं का वहीं छूट जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर गंदगी तेलीय होती है, चिकनी, और चिकनाई और पानी तो एक दूसरे से दूर रहना ही पसंद करते हैं। यही काम आता है साबुन। उसके मॉलिक्यूल्स की ये खूबी है कि वो पानी से मिलकर मानो उसे और गीला बना देते हैं, उसकी सरफेस टेंशन तोड़ देते हैं। इसीलिए पानी में मिले साबुन के मॉलिक्यूल्स मानो एक तरफ से पानी को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से मैल को पकड़कर खींच निकालते हैं। ऐसा कहना गलत होगा कि साबुन मैल को पहचानता है, असलियत तो है केमिस्ट्री, तेल और साबुन की केमिस्ट्री, जो दोनों को कुछ इस तरह से जोड़ देती है कि पानी उन्हें अपने साथ बहा ले जाए। हर मुट्ठी में है साइंस। अब मैं ये सर्किट पूरा कर देती हूँ। वो रेड वाला दो, दूसरा ये रहा। मतलब कि अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस सेल से यहाँ जा रहा है। करेक्ट, देखो हाथ लगा के गर्म हो गया। हाँ गर्म हो गया है थोड़ा। ओके, अब देखो जादू, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी नीडल है। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे। एपिसोड 5 कॉन्टेस्ट 5। देखिए रिजल्ट्स। हमने पूछा था कि इस तरह करने पर टेप के टुकड़े दूर क्यों हो जाते हैं। सही जवाब है स्टैटिक चार्ज, स्थिर विद्युत। जब टेप पास आते हैं तो एक दूसरे को समान चार्ज के कारण रिपेल करते हैं। और इस बार के विजेता हैं राधिका सकारिया जूनागढ़, धीरज नाग रायपुर, संजीव सैकिया जोरहाट, संजीव विनोदी बैतूल, योगेश व्यवहारे अमरावती, सुमित वाघमारे अमरावती, प्रवीण कुमार कश्यप मोदीनगर, पंकज सिंह गोरखपुर, नवनीत मुंदड़ा चित्तौड़गढ़, आशीष चंगोले अमरावती। आप सबको अपना गिफ्ट हैम्पर मुबारक। पहले 10 विजेताओं को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स, ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का VCD सेट, एस्ट्रोनॉमिक किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब होती है हर मुट्ठी में साइंस। बाय। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे। हर सवाल का जवाब है साइंस, हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस।